हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी ने बताया कि इस फ़ोन की क्लैरिटी और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलो, थैंक गॉड कि सब कुछ अच्छा है और अच्छे से अभी इस फ़ोन के साथ आगे काम करेंगे। और मैं अपने सेकंड चैनल पर भी एक रीडिंग आज अपलोड करूंगी ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि जो ये 777 पोर्टल आज ओपन हुआ है, जानेंगे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में क्या बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो रीडिंग करने वाली हूँ आज, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है ना ये, कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो इस पोर्टल के ओपन होने से मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं किस किस ग्रुप के लिए मैसेजेस आने वाले हैं और किन के लिए डिवाइन हमें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है। ओके, आपको सेकंड चैनल पर रीडिंग आज ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, तो देख कर सोना। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से लेकिन गाइस, पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप आराम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, पेज ऑफ कप्स, वेट अ सेकंड, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आज तो गाइस दूसरी बार रीडिंग कर रही हूँ और दूसरी रीडिंग में भी स्टार कार्ड आ ही गया है। ओ माई गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स इज अ मैरिज कार्ड। इंटरेस्टिंग, हमारे पास एक्वेरियस और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग साइन आ गए हैं यहाँ पर, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले देखो, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है जो कार्ड्स अभी निकाले हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पहले आपकी सिचुएशन बतानी है ना, आपके साथ ये रीडिंग मैच होगा या नहीं होगा, ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ से टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर हैं या जो आप हैं खुद ही, आप दोनों कन्फ्यूज़ हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन दोनों ही कन्फ्यूज्ड हो। और देखो डिसेप्शन, ओ माई गॉड, बैक टू बैक इतने इंटरेस्टिंग कार्ड, वाओ, जैसे सच में जजमेंट पे रुका हुआ है ये कनेक्शन। जजमेंट पे, जजमेंट जहाँ हो गई वहाँ फिर कभी टावर नहीं दिखेगा, कभी हार्डशिप नहीं दिखेगी। ये कनेक्शन ऐसा है जो बहुत समय तक आपको इस कनेक्शन ने अकेलापन दिया है, ठीक है, बहुत टाइम से अकेलापन दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आपके कनेक्शन में, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल की एनर्जी मैं बताती हूँ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हमारी टू ऑफ सोर्ड्स की है। आप दोनों ना कन्फ्यूज़ हैं कि शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। पहली बात तो ये इस वजह से है कि डिसेप्शन है आप दोनों में। आप दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, दोनों आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। आपको कुछ बात को लेके कंसर्न है जो आप अपने पर्सन को नहीं बता पाते, और सेम कंडीशन आपके पर्सन के साथ हो रही है, वो भी आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका डर है, ये डर तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपने अंदर से, और सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा। जो भी इशूज़ जो चल रहे हैं आप लोगों के साथ, एक टाइम ऐसा आना ही आना है कि आपको बताना ही पड़ेगा, और वहीं ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होना है। और ये बहुत, इस कार्ड के बाद क्या आया है, इन दोनों कार्ड के बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। समय इतना खूबसूरत आने वाला है ना आपकी लाइफ में, इस चीज़ से आप डर रहे हो अभी, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर जब आप सच्चाई बता दोगे ना, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। और आप आगे अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छा वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे, और सच में आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी सही मायने में मैंने जीना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन जो आपकी है, मैंने ये जो बताया है ना आपको, ये एक आउटकम है, ठीक है। तो आउटकम तो मुझे पॉजिटिव दिख ही रहा है, लेकिन मैं अभी करंट सिचुएशन आपको बता देती हूँ कि हो क्या रहा है। चीज़ें तो आप सच में छुपा रहे हो, मुझे नहीं जानना आप क्या छुपा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई डर है आपके अंदर और आप कहने से थोड़ा सा घबराते हैं अपने पार्टनर से, तो आप बोलना कि हाँ, ये बात मेरे साथ मैच हुई है, सिर्फ इतना। मुझे कोई डिटेल में नहीं जानना है, और आपको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, हर कोई सुनेगा तो सही नहीं है, ठीक है।
लेकिन इस चीज को लेके प्रार्थना करते रहो, भगवान से हेल्प मांगते रहो, वो अपने आप रास्ता दिखा देंगे और आप इस चीज़ से बाहर भी आ जाएंगे। सेम आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ कनेक्शन में क्या हो रहा है। कनेक्शन बहुत स्पीड में हील हो रहा है आपका। ओके, आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर के एफर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। जहाँ बहुत लंबा आपने इंतज़ार करा, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ठीक है, ये कुछ महीनों का किस्सा नहीं है, ये सालों का किस्सा है कि आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, लेकिन उससे पहले से भी सच्चा प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे, लेकिन इस पर्सन से हो सकता है 3-4 साल पहले मिले हो। ओके, तो यस, काफ़ी टाइम से अकेलापन देखा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील किया आपने और बहुत रोए हैं आप, परेशान हुए हैं, लेकिन अभी के जो सिनेरियो है मैं बता रही हूँ, स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत स्पीड में हील हो रहा है। ओके, और दोनों की जो इंट्यूशन कहती है, वो कहती है कि यस शादी होगी, लेकिन आप खुद को कंफ्यूज कर देते हैं, आप बोलते हैं कि पता नहीं होगी भी, आपका जो अंदर का डर है ना, वो आपको थोड़ा नेगेटिव कराता है, आपको डराता है और आपको एक कदम पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड ही ये इसलिए आया है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, खुद को डेवलप, खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है और अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। स्टार के साथ ये वाला कार्ड आना और टेम्परेंस कार्ड का आ जाना, ये एक आम बात नहीं है कि एक रीडिंग में इस तरह के कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, तीनों के तीनों। ये बता रहा है कि यह सब कुछ पॉजिटिव होगा आगे जाके। स्टार मतलब आपकी इच्छा पूरी होगी, जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी। अगर देखो इस पर्सन से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी आप इनको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, इनसे प्यार करने के लिए तैयार हैं, इनकी हर एक सिचुएशन एक्सेप्ट कर रहे हो, दूर भी हैं तो भी आप दूर से ही इनको खुश देखकर खुश हो रहे हो, तो दिस इज़ योर, ये आपका सच्चा प्यार आप इनसे कर रहे हो, ठीक है, वो आपसे कर रहे हैं, अभी ये बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, तो इतना सच्चा प्यार करना, और टेम्परेंस कार्ड आ चुके हैं तो ये मुझे बता रहा है आपके प्यार की प्योरिटी क्या है, आप कितने प्योर हैं, आप कितना सच्चा प्यार कर सकते हैं किसी से, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके, मतलब बिहेवियर में, आपके नेचर में, और इतने सच्चे और इतना वेट करना, कोई नहीं रुकता किसी के लिए, कोई कुछ महीनों में ही भूल जाते हैं इंसान को, यहाँ तो मैंने महीना भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, कुछ वीक्स में, डेज में, 3-4 दिन रोक कर देन मूव ऑन कर जाते हैं, बट आप सालों तक रुक गए तो कुछ तो बात होगी ना इस कनेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है, ये रीडिंग उन्हीं के साथ मैच होगी भाई जो सच में ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिनको पता लग गया है कि हाँ सामने वाला मेरा सोलमेट है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैं इसके बिना अधूरी हूँ या अधूरा हूँ और सामने वाला मेरे बिना अधूरा है, ठीक है, तो ये उन्हीं के साथ ही मैच होगी रीडिंग। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपको पता है ना आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम कौन है, तो इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये शादी होगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें आपका खुद का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, लगातार एफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी होता है और पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो ये दो कार्ड आ गए ना नाइट के, बहुत स्पीड में जा रहा है आपका मैनिफेस्टेशन और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो जल्दी आपकी जो डिज़ायर है ये पूरी हो जाएगी। और ये सिर्फ आप ही की डिज़ायर नहीं है, ये यूनिवर्स की भी डिज़ायर है, ये आपके खुद के पार्टनर की भी डिज़ायर है, बस आप दोनों चाहते तो एक ही चीज़ है, लेकिन यूनिवर्स ने रास्ते में इतनी रुकावटें डाली हुई हैं कि आपको उनको क्लियर करते हुए एक पेज पर पहुँचना है, एक स्टेज पर पहुँचना है। और यूनिवर्स ने ये चैलेंजेस क्यों डाले हैं, आपकी खुद की अवेकनिंग के लिए, ताकि आप इस प्यार की गहराई को और समझें और एक बहुत स्ट्रांग आपकी बॉन्डिंग बने। जहाँ यूनियन हो गया ना बहुत लंबा, ये लाइफ टाइम है आपका कनेक्शन, फिर ये वो वाला कनेक्शन नहीं होगा, शादी हुई फिर कुछ साल बाद डिवोर्स हो गया, ऐसा वाला कनेक्शन नहीं होगा, ये उम्र भर तक, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। और ये कनेक्शन तो आप दोनों फील अभी से करते हो, बस इसको स्टैम्प इस समाज में 3D वर्ल्ड में लगानी है ना, मैरिज की या कैसी भी स्टैम्प, ठीक है, मतलब कि हम
फैमिली में बता दिया, मतलब इस तरह से, मतलब इस रिश्ते को समाज में नाम देना है बस, तो वो चीज़ दिख रही है। अब अलग से कार्ड्स निकालते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, मेरे हिसाब से तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन फिर भी ये आपकी एनर्जी बताई मैंने इस कनेक्शन की। थोड़ा सा डर है आप दोनों के अंदर, लेकिन मैं ये बोलूँगी 80% आपकी हीलिंग पूरी है, मैं ये बात देख पा रही हूँ। और देखना यहाँ से कौन सा कार्ड आया है, मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए अपने सेकंड चैनल पर रीडिंग करूँगी, उसे भी देख लेना। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, सच्चा प्यार है, यूनिवर्स एकदम से थोड़ी ना आपके सामने जी बस मिल गया आपको। हालांकि बहुत स्ट्रगल आपने देख लिया है, बट थोड़ा और लिखा है, डर है ना आपके अंदर, उसे तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। मैं बताती हूँ क्या रिजल्ट है, ठीक है? कार्ड सारे आने दो, फिर देखते हैं। द मून, ओके, पेज ऑफ कप्स, फिर से कार्ड आ गया पेज ऑफ कप्स का, एट ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड खुद से आया, ऐसे देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अरे वाह, एक और कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है, एक और कार्ड लेंगे, सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ से है किंग ऑफ वॉन्ड्स और द फूल, ठीक है। रिकन्सिलिएशन तो होगा, देखो अभी की जो करंट सिचुएशन है आपकी, मैं करंट सिचुएशन पर ही बात कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि फुल एंड फाइनल डिसीजन कुछ, लेकिन हाँ आपकी जो एनर्जी है वो मैंने बता दी, इस कनेक्शन में चल क्या रहा है मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रही है, देखो ये कनेक्शन फ्यूचर में हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए सरेंडर स्टेज पर चला जाए। अगर अभी थोड़ी बहुत बात होती है तो हो सकता है फ्यूचर में फैमिली मैटर्स बीच में आ जाए, ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि फैमिली एग्री ना हो, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। और इस पर्सन को थोड़े टाइम के लिए आपके साथ दूरियां बनानी पड़ेगी, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे फैमिली और आप में, ओके। और आप भी इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि क्यों फैमिली की वजह से आप ऐसे सोच रहे हो, इस तरीके से आप भी इसको इन्हीं के हाल पे छोड़ने वाले हैं डिसीजन जो लोगे, क्योंकि आप तो इनसे अनकंडीशनल लव करते ही हो, लेकिन ये आपको खुद से आज़ाद नहीं करवा पाएंगे, फ्री नहीं करवा पाएंगे। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये परेशान हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ये आपको फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे, ये अपने बिहेवियर में या सिचुएशन को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मदर इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इस मैरिज में, जो आपको एक लास्ट, हो सकता है ये लास्ट ऑब्स्टेकल हो, फैमिली मैटर आ जाएगा, लेकिन ये भी सॉल्व हो जाएगा विद द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। इस कनेक्शन को फिर से न्यू बिगिनिंग मिलेगी ही मिलेगी, नए तरीके से शुरुआत ये कनेक्शन फिर से करेगा आफ्टर दिस सेपरेशन। डोंट वरी एट ऑल, आपका डर निकलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऐसे कार्ड्स आए हैं, लेकिन इन कार्ड्स में भी पॉजिटिविटी दिख रही है। आप कोशिश करो और पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करने की, ओके, मेक द एफर्ट्स, दोनों एफर्ट्स लगाओगे आप, क्योंकि आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे ना एक दूसरे से, दिस इज द मेन रीजन, ओके। वेरी सून हो सकता है ये सेपरेशन जल्दी आ जाए, आ जाए तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चीजें सॉल्व होंगी। और फिर देखो आप दोनों पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, आप लोग पहले भी मिल चुके हो दूसरे जन्म में, एक दूसरे को सेफ फील करते हो कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए सेफ है, मैं अपने पार्टनर के लिए सेफ हूँ, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, टोटली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कॉलिंग इन योर सोलमेट, प्रेयर, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर, को डिपेंडेंसी। मुझे ओ माई गॉड, थर्ड कार्ड है जो सोलमेट का आया है, येस दिस इज योर सोलमेट, येस दिस इज योर सोलमेट, यू हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पार्टनर, और आप दोनों एक दूसरे को, देखो सेपरेशन में आते तो एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को बुलाना शुरू कर देते हैं, और
और एक दूसरे को नहीं भुला पाएंगे आप, ठीक है? तो ये शादी तक जाएगा, लेकिन कहते हैं ना ट्रू लव इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो यूनिवर्स आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो आप भी स्ट्रांग हो जाओ और प्रूव करके दिखाओ कि आप वीक नहीं हैं। गाइस मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने सेकेंड चैनल पर रीडिंग अपलोड करने के लिए, बट अगर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि अभी ये रीडिंग भी 15 मिनट की हो गई है, इसे अपलोड होने में टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो मैं सुबह सुबह अपलोड कर दूंगी, और अगर टाइम बचा 11 बजे से पहले पहले अगर मैं कर पाई तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? सो क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।